Hey guys and welcome back to the Pokemon Rocket Edition. जहाँ पे गए थे पिछली बार हम लोगों ने हमारी जर्नी को एज द टीम रॉकेट ग्रंट करके जो है वो स्टार्ट किया था। हम लोगों ने एज ए स्टार्टर हमें मिला था एक रैट था, हमने उसका इनफेम जो है वो रैट दे दिया है। बट लेटर ऑन दैट हम लोगों ने एक पोकेमॉन स्टील किया विद द हेल्प ऑफ आर फ्रेंड, न्यू फ्रेंड जो कि इस टीम ऑर्गेनाइज के ऑर्गेनाइजेशन में ही है, एक हमारा दोस्त है जो कि था यहाँ पे रॉनी। तो आज ही ना मैं गाइस यार जाने वाला हूँ क्योंकि एक फ्लाइट टाइप पोकेमॉन हमें जो कैच करना था एंड उसका इस्तेमाल करके हमें जाना था सीधा माउंट मून के लिए। एंड हाँ यार, इसी दौरान मैंने एक और बैटल किया था, वहाँ से मैंने एक पॉलीबैग को स्टील करा है लेवल 5 के, शायद इसे मैं अपने टीम में रखूंगा आने वाले जो एपिसोड्स होंगे उसके लिए। तो फ्लाइट मैंने यहाँ पे दे दिया है, सो सीधा मैं यहाँ से फ्लाई करने वाला हूँ इन दी माउंट मून, क्योंकि माउंट मून पर भी पोकेमॉन सेंटर है तो वहाँ पर हम लोग पहुँच सकते हैं। सो जी हाँ, ओके, यहाँ पर पेट्रोल खड़ा हुआ है। ए तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, सुनो यहाँ पे आ जाओ। सो अब तुम्हारा पहले मिशन का टाइम है ग्रंट्स। तो हमें इन्फॉर्म किया गया है वो इंटरेस्टेड सोर्स जो कि प्यूटर सिटी के म्यूजियम में है, और वो एक पर्टिकुलर शायद यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेयर फॉसिल्स है जो कि यहाँ पे स्पॉट किए गए हैं इस केव के अंदर। हमें ये बिलीव होता है कि ये फॉसिल्स वंस एक्वायर्ड है जो कि टीम रॉकेट के लिए मदद करेंगे। वेल सो ये तुम्हारी कोई भी कंसर्स नहीं है रियली। सो नाउ तुम एक पर्टिकुलर सुपर नर्ड की मदद मिलने वाली है इन फॉसिल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। वो अभी फिलहाल के लिए इस केव के अंदर रास्ता ढूंढ रहा है ताकि वो अपने नए रिक्रेट्स के साथ थोड़ी सी बातचीत कर रहा है। तो तुम्हें शायद उससे काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तुम्हारा आज का मिशन है कि तुम जाओ और असिस्ट करो इस सर्च को, और जब तुम कर सकते हो दैट मीन्स स्क्रैचिंग एवरी नुक एंड क्रैनी ऑफ दिस होल, तुम्हें ट्रेनर की ट्रेनर होते हुए इस सारे के सारे ट्रेनर्स को यहाँ पे डिफीट कर देना है, और जिसको भी एक रेयर फॉसिल्स मिलेगा वो रिपोर्ट करेगा मुझे पेट्रोल को। ओके सो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, अफकोर्स आई नो। तो चलो भाग जाओ यहाँ से बच्चे लोग। ओके सो हमें आज का टास्क मिल चुका है कि यहाँ पे गाइस यार हम लोगों को जो रेयर फॉसिल्स है वो हमें यहाँ पे कह सकते हो कि गाइज यार फाइंड आउट कर देने हैं। ओके यार कर लूँगा, यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे थोड़ी सी 32 पोके पॉइंट्स है यार मेरे पास। हाँ यार इतने पोके पॉइंट्स भी आएंगे नहीं मेरे पास क्योंकि ये क्राइम ब्रांच तो हमें कोई भी मतलब ये सब क्राइम जो है गाइज यार क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ये तो हमें कोई भी पैसे देने नहीं वाली, हमें खुद से ही पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे ऐसे सब बैटल्स करके। सो इसको हम लोग जो है वो एक हरा चुके हैं, फिर ही मैं इसका स्टील नहीं कर सकता। हाँ कुछ कुछ कह सकते हो कि पोकेमॉन्स को हम लोग स्टील नहीं कर सकते, हर एक को तो नहीं यार स्टील कर सकते ना। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी हमें मिल चुका है एक TM09 बुलेट सीड। जितना सारा जो है इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर कर सकते हैं ना यहाँ से, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों को। ओके तो इस पोकेमॉन्स वीडल मैंने यहाँ पे गाइस यार यहाँ पे अभी इससे छीन लिया है, वीडल एंड शायद कैटरपी थे बट मैंने वीडल के साथ चुना। ओके सो चलो गाइस यार यहाँ पर इसे लगता है कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए फिर कभी। ओके हमें यहाँ पे मिल चुकी है एक पैरालाइज हील, तो आई डोंट नीड दैट। तो यहाँ से अभी सीधा मैं जितने सारे हो सके ना और जितने अच्छे अच्छे नए नए पोकेमॉन्स होंगे ना उन सभी को ना मैं यहाँ पे स्टील करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गाइज यार यहाँ पे इस गेम में तो हम कोई संत मानुस है नहीं। hey guys, यहाँ पे आ जाओ, मुझे कुछ तो मिला है। ओके ये आवाज सुंदर से आ रही है, क्यों हम चलकर देख ले। ओके देख लेते गाइज यार यहाँ पर अभी क्या उसे मिला है, शायद एक रेयर फॉसिल्स मिला है क्या उसे। ओके और नीचे की तरफ जाना है हमें। यहाँ पे आ जाओ गाइज, मुझे कुछ तो शायद मुझे प्रोफेसर मिलने वाला है यहाँ। यस व्हाट, ओके चलकर देख लेते हैं। सो तुम्हें क्या लगता है कि इसके अंदर एक रेयरेस्ट फॉसिल होगा जो कि मुझे प्रमोशन दिलाएगा। मैं रुक ही नहीं चाहता कि मैं पेटल का मुंह देखना चाहता हूँ। हे ड्यूड, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस इतने से मदद काम करके एक फॉसिल देख लो, ये एक फ्रीकिंग मूनस्टोन है। यस ये यही चीज है जो लिटिल के पोकेमॉन है ना जैसे कि जिगलीपफ वो उसको यहाँ पे इवॉल्व कर देता है, ये कोई रेयर भी नहीं है मैन। वेल शायद इसे यहाँ पे छोड़ के चले जाना चाहिए, चलो
ओके तो गाइस यार बोबट हो गया, मुझे लगा कि इतनी जल्दी इसे फॉसल मिल गया है, बट ये फॉसल नहीं एक मूनस्टोन था जो कि इसने हमें दे दिया है, क्योंकि इसको भी कोई भी कह सकते हो कि गाइस यार थोड़ा सा नाराज हो चुका है ये। बट यार नाराज मत हो जाओ ब्रो, और भी इस माउंट मून को एक्सप्लोर करना बाकी है, शायद हमें ये जो कह सकते हो देयर यू आर ड्यूड, तुम यहाँ पे शायद आना चाहना चाहिए। सब लोग एक फ्रेंडली स्ट्रॉन्ग एस अटैकर की बात कर रही है जो अभी यहाँ पे आके गया। मैं बस यहाँ पे आया और मुझे कुछ भी क्लू नहीं है कि क्या हुआ, बट ये थोड़ा सा एक्साइटिंग साउंड करता है। कम ऑन। ओके क्या हुआ? ए, मैं बता दे रहा हूँ, उसने मुझे जस्ट हराया विदाउट ब्रेकिंग एनी स्वेट। ओके ऐसा लग रहा था कि मुझे बस बेयरली चांस मिला खड़े रहने का, और मैं कुछ मूव कर देता था वो मेरे फेस पे कह सकते कि मेरी प्राइज में नहीं लेके चले गया। ए, और बता उसके बारे में, वो क्या उसके स्पाइकी हेड किड्स एक रूथलेस था? ए, वो तुम्हें क्या लगता है कहां से आया होगा? वो शायद किसी रिच और लिटिल प्रोचडी का लड़का होगा जो यहाँ से भाग के पोकेमोन स्कूल से भागा होगा। और तुम्हें उसकी पावरफुल पोकेमोन की पावर कैसी लगी? वो एक इररिस्पॉन्सिबल था, जैसे कि उस पोकेमोन में यार काफी ज्यादा पावर थी अगर तुम मुझे पूछो तो। हे क्या हाँ तुम गाइस कह रहे हो कि तुम्हारे पीठ के पीछे एक लड़का आया और एक छोटा बच्चा आया और तुमने उसे तुम उसे हार गए? क्या बात कर रहे हो गाइस, तुम्हें बैटल किसने सिखाया? तुम्हारी मॉम ने? मैं यहाँ पे बाय नहीं कर रहा टाइम ध्रो, मैं जा रहा हूँ हंट करने के लिए कि शायद मुझे कोई चूहे का सा फॉसल मिल जाए। गीक्स मेरा टाइम यहाँ पे बर्बाद हो गया। सूट योरसेल्फ पहल, मैं बता देना चाहता हूँ अभी मैं पोकेमोन सेंटर जा रहा हूँ उस समय के लिए, मुझे यहाँ पे कोई भी फॉसल्स नहीं मिल रहा। ओके सो गाइस यहाँ पर मुझे लगता है कि सब लोग यहाँ पे अभी जाने के लिए लग चुके हैं, तो यहाँ से मुझे शायद यस मैं सोच रही हूँ कि मैं पोकेमोन सेंटर की तरफ जाऊँ अगर मैं यहाँ से चले जाऊँ तो। ओके सो ये भी जा चुकी है लड़की, तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी बंच ऑफ उसकी बात करी जाए। सुनो क्या तुम उस लड़के से थोड़े से डरे हुए हो? नहीं यार है देखा, यही तो मैं बात कर रहा था। आई नो कि ये क्यों ढूंढ गए हैं। हे कम ऑन, एक स्पाइकी हेड छोटा बच्चा यहाँ पे एंशिएंट ओल्ड बोन्स को क्यों ढूंढेगा? मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी अपनी रिसर्च करने के लिए जो कि मुझे पेट्रोल में की गई है, और मैं उसे अपने डेडिकेट करने वाला हूँ अपने मास्टर क्रिमिनल के लिए। लेट्स गो डैम इट। ओके सो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग जो है वो चले जाते हैं। यार काफी ज्यादा जो है वो बातचीत चल रही रहती है यार। हाँ गाइस मैं बताना चाहता था कि ये गेम में ना कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। ओके सो यहाँ पर अपनी वीडल जो है वो यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, चलो यार होने देते हैं। सो हाँ मैं ये कहना चाहता था कि गाइस यार यहाँ पर इस गेम में ना कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, हम लोग ना कह सकते हो कि जैसे जैसे मेरे यहाँ पे कह सकते हो कि ना मुझे इतने पहले क्या करता था ना मैं गाइस यार हाँ यार 8-9 मिनट का 10-15 मिनट का एपिसोड हो गया तो मैं इसे अभी बंद कर देता हूँ। ऐसा नहीं होने वाला है इस गेम में, जितना जल्दी मतलब कि जितना मर्जी मतलब कि मैं टाइम लिमिट इस गेम में देखने ही नहीं वाला हूँ, जितना यहाँ पर लंबा एपिसोड आएगा मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोगों का प्यार नहीं रुकना चाहिए गाइस यार। आई नो कि थोड़ा सा फर्स्ट एपिसोड पे आप लोगों का थोड़ा सा प्यार कम आया है, बट मैं चाहता हूँ कि गाइस यार अपने हर एक एपिसोड के आने की तरफ यहाँ पर आप लोग जो है वो अपना लव दिखाते रहना। सो देखते हैं गाइस यार ये इतनी सीरीज बड़े नहीं रहने वाली है, क्योंकि अगर टाइम लिमिट का मैं देखूँ ही ना तो शायद ये सीरीज इसी मंथ में ख़त्म होगी। एंड थोड़ी सी मैं क्विक हिंट दे दूँ, पता है गाइस यार थोड़ा सा मैं पास आके बोलता हूँ और मैं थोड़ा सा दूर जाके बोलता हूँ कि आप लोगों को इतने अच्छे सुनाई ना दे ब्रो, शायद नेक्स्ट टाइम ना अपना एक निंटेंडो स्विच गेम आने वाला है। वो कौन सा आएगा वो तो मुझे अब तक नहीं पता, क्योंकि मुझे मैं खुद डिसाइड नहीं कर चुका हूँ। ये गेम में बस छोटा सा क्यों लेकर आया था पता है, क्योंकि मेरे अभी एग्जाम्स आने वाले हैं ना, सो इसीलिए मैंने ये छोटा सा गेम लेकर आया ताकि जब एग्जाम ख़त्म होते होते ये गेम भी कंप्लीट हो जाए और फिर हम एक प्रॉपर निंटेंडो स्विच गेम खेले। देखते हैं यार बड़ी, अगर सब कुछ सही चला तो हम लोग एक प्रॉपर निंटेंडो स्विच गेम खेल लेंगे। गाइस यार आपने अच्छी सुना तो नहीं ना, मैं बस अपने दोस्त से साथ तब बात कर रहा था, क्योंकि गाइस यार
मैं कुछ कहने वाला मैं अभी बस शायद ये रिकॉर्डिंग ऑन थी या ऑफ थी वो तो मुझे पता नहीं, बट शायद आप लोगों ने कुछ ज़्यादा सुना तो नहीं होगा। मैंने बस जो आपका पीछे दोस्त था ना उसके साथ बात करी थी, रोनी के साथ मैं कहना चाहता था, बट रोनी यहाँ पर मुझे दिखा नहीं इसलिए मैंने जो अपना दूसरा दोस्त है उसके साथ बात करी थी अपनी जो फ्यूचर प्लान है उसके बारे में। सो लेट्स लीव दैट गाइस, अभी फिलहाल के लिए इस एपिसोड की तरफ हम ध्यान देते हैं, क्योंकि गाइस अभी हम लोग जस्ट इस माउंट मून को थोड़ा सा, ओ यहाँ पे रोनी, हे ध्रुव ध्रुव, ये मुझे वो सुपर नड़गाय मिल गया है, ये एंड गेम स्मार्ट, वो कह रहा है कि ये मदर फ्लिपिंग पोकेमोन फॉसिल्स है, ये कितना क्यूट फूल है ना। ए इजी हो जाओ, मैंने तो बस इस फॉसिल दो फॉसिल्स को फाइंड कर लिया है और वो हार्डली प्राइव हो रहे हैं। फ्रेंकली ये होल फॉसिल्स फ्रेंजी है और काफी टाइम से इन्हें प्रपोजल में, अगर तुम मुझे पूछो तो। या व्हाट अबाउट तुम कहो प्योर ध्रुव, ये ऑसम था, मैं कह रहा था ना कि हमें कुछ तो मिलने वाला है। ए क्यों ना बोले हम ये हम वो इसने किसे ढूंढना है। ओ मैन गेस, जो फर्स्ट रिपोर्ट करने वाला है इस स्पेक्टेकुलर फाइंडिंग को पेट्रल, मैन मैं रुकने नहीं होने वाला हूँ कि मैं उस वीपीएस ग्रंट्स के जो सब लोग डर रहे थे उस पोकेमोन सेंटर में, और जो अपना पहला मिशन छोड़कर यहाँ पे पोकेमोन सेंटर भाग गए थे ध्रुव, मैं उनको मैं पेट्रल को बताने के लिए जाने वाला हूँ, बट मैं क्या करूँ। हैंग ऑन, ये मुझे याद दिलाया। हे मिस्टर नड़गाय, क्या आपने एक छोटे बच्चे को देखा क्या यहाँ पे आते हुए? Someone with a spiky hair and उसका cocky attitude था शायद। Oh yes, मैं देखा, अगर तुम मुझे पूछो तो। In fact वो जब यहाँ पे आया तो ज्यादा देर तक रुका नहीं, जस्ट यहाँ से चले गया उसके बॉटल के टर्टल के साथ और अपने उस पोकेबॉल के अंदर था, वो शायद एक बिग शो था। I think वो अब चले जा चुका है, although water turtle and शायद वो ब्लू था, शायद स्पाइकी हेड, क्योंकि रेड की तो जो हेयर है वो स्पाइकी नहीं है। गाइस काफी ज्यादा मजा आने वाला है यार, मैं रुकने नहीं वाला यार यहाँ पे अभी। ओके वेल आई गेस स्टिल अगर देखा जाए तो वो लड़का शायद हमें आगे की तरफ हमारे चांसेस को रुइन कर सकता है। हेंद्रो क्यों ना तुम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गार्ड करो, जब पेट्रल को मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, आई डाउट शायद यहाँ पे ट्रबल हो जाए, बट जस्ट इन केस ट्रेनर यहाँ पे आ जाए तो वो शायद यहाँ से अपना जो क्रेडिट है वो खुद ले ले, और वो जो गाय है वो भी शायद हमें शायद एक सीरियस डैमेज दे सकता है। सो क्यों ना तुम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अपनी गार्डिंग करो। ओके ये है स्पिरिट, मैं जल्द वापस आता हूँ। ओके तो यहाँ पे हमें थोड़ी देर के लिए जो है वो गार्डिंग करनी है, यानी कि थोड़ी सी रखवालदार करनी है। तो चलो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाकर एक बार चेक कर आते हैं कि और कुछ हमें चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लोर करना है या फिर नहीं। सो लेट्स गो, यहाँ पे अभी सीधे नीचे की तरफ चले जाता हूँ। ओके कोई तो आ रहा है। हे रेड, शिट, इसने हमसे कुछ भी बात नहीं करी एंड सीधा बैटल की तरफ ये चले जा चुका है। सो टोटल इसके पास 6 पोकेमोन है एंड उसने बस 25 लेवल्स के चैमेलियन को ये लेकर आ चुका है, मतलब कि यार कुछ फायदा नहीं है, ये हमें डाउन कर देने वाला है। जितने भी मेरे पास पोकेमोन है ना 6 के 6, वो कुछ फायदे के नहीं है गाइस, क्योंकि लेवल 25 और लेवल 8 कहाँ से कहाँ तक गाइस यहाँ पर, ये इसने यहाँ पे हमें हराने वाला है ये। ओके इसको भी हमने हरा दिया है यहाँ पर, नहीं यार ये मिसमैच था यार, ये मैच नहीं था मिसमैच था, हम लोग हार चुके हैं अगेंस्ट द रेड चैमेलियन। वापस आ जाओ यार, रेड यार का तो कुछ बोलता क्यों नहीं है यार। ये देखो 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि यार क्या होता है ना। हे देखो, ए मेरे फॉसिल्स मेरे है, वो दोनों मेरे है। कुछ तो हो चुका है ऊपर। ओके एक फॉसिल लेके जाओ, ग्रीडी मत बनो। कुछ तो हो चुका है, मुझे शायद ऊपर की तरफ चेक करके आना चाहिए।
ए, क्या तुमने देखा, वो लड़का इंसेन था। ए, उसने मुझे हरा दिया विदाउट एनी हार्ट बीट। उसने तो एक बस एक वर्ड भी नहीं कहा, जस्ट मुझे नॉकआउट करा। ए, ये सब क्या चल रहा है? क्या यहाँ पे सडन इन्फ्लक्स आ रहे हैं? एक सुपर स्ट्रांग लिटिल ट्रेनर यहाँ पे आया, या मैंने मिस करा? और ये फॉसिल्स, ओ गॉडेस, डैम इट, मैंने उसे क्यों एग्री करा कि ये एक स्टूपिड ऑर्डर ऑफ जॉब फॉर द टीम रॉकेट। आई न्यू कि मुझे शायद प्यूटर म्यूजियम में ही रहना चाहिए था। शिट, एटलीस्ट वो मुझे अपना पे चेक देते हैं हर महीने फॉर क्रिसेक। हे गाइस, गाइस, मैं ये बिलीव नहीं कर सकता, ये एक क्रेजी स्ट्रॉन्ग और छोटे लिटिल ट्रेनर यहाँ पे आया इस केव के अंदर, और उसके पास एक बड़ा चार्मेलियन था और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इवन कि वो जो स्पाइकी हेड बॉय था ना, हाँ, हैंग ऑन, वेट, नहीं हो सकता, क्या तुम गाइड्स, तुम मेरे फॉसिल्स कहाँ है? मैं भगवान की कसम ले रहा हूँ, मैं तुम दोनों को अकेले छोड़ दूंगा 2 सेकंड्स के लिए और इस सारे के सारे चीजों को तबाह कर दूंगा। सो गाइस, सर यहाँ पर अभी मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बड़ी है, यहाँ पे पेट्रोल भी आ चुका है अभी। यस सर, यस सच है। वेल देन, जीसस और जीसस क्रिस्ट, ये बॉस को अच्छा नहीं लगने वाला है। ये किड, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तुमने देखा कि किस टाइप के पोकेमोन है इस्तेमाल करता है, कैसे टाइप के कपड़े पहनता है, क्या तुमने उसके कैरेक्टरिस्टिक को नोटिस किया? यस सर, बस वो मुझे बस थोड़ा सा हिस्सा गया थी दिखा, वो बस मुझे ग्राउंड पे लेटा के मुझे बस वो उसे मुझे मुझे हरा दिया। वो एक पिंक हेड ग्रंट आया और उसने उसे लड़ाई भी करी दो, वो शायद ये मेरी बात कर रहे हैं, आई डोंट नो कि वो उसे डरा भी था। तुम्हारा नाम ध्रुव है? ओह यस ध्रुव, दैट्स राइट, अब मुझे याद आ गया, तुमने उस लड़के के साथ बैटल भी करा, हाँ, और तुम उसका चेहरा भी जानते हो। यस ओह यस, और तो तुम शायद अपने आप को किस दिन के लिए साबित कर दोगे। हम इस इन्वेस्टिगेशन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, हम उस छोटे बच्चे को ऐसे ही भाग के धोए नहीं दे सकते, और हमें हमारे ग्रंट्स को वो ऐसे ही डाउन नहीं कर सकता था, और हमारे प्लान्स को वो ऐसे ही रून नहीं कर सकता था। उसे टीम रॉकेट का इमेज से डाउन हो जाएगी उसकी वजह से। मैं इमेजिन करता हूँ कि बॉस तुम्हारे ही साथ कुछ बात करना चाहते हैं हेडक्वार्टर्स की तरफ। सो अब ये मिशन यहीं पे एंड होता है, अब कुछ भी नहीं होगा, तुम सब डिसमिस हो चुके हो, प्लीज जल्दी जल्दी हेडक्वार्टर्स आ जाओ। बट मेरा क्या पेट्रल, मैंने वो फॉसिल ढूंढ निकाले थे आपके लिए। हाँ यस, और ये तुमने अच्छा किया था, बट अब वो मेरे फॉसिल्स मेरे हाथ में तो नहीं है ना, जो तुम बोल रहे हो ऐसा करो, जाओ अभी के अभी। सो गाइस यार यहाँ पे कुछ भी फायदा नहीं है यहाँ पे खड़े रह के। स्टूपिड पीपल, पर्पल बियर्डेड जर्क, मैं उसे एक दिन जरूर दिखा दूंगा। ओके सो यहाँ पे गाइस यार रॉनी भी पूरा का पूरा कह सकते हो कि मतलब कि गाइस यार यहाँ पर रॉनी भी पूरा का पूरा जो है परेशान हो चुका था, क्योंकि गाइस यार रेड ने आकर ना पूरे पार्टी ही खराब कर दिए। सो फिलहाल के लिए गाइस यार हम लोग अभी हेडक्वार्टर की तरफ आ चुके हैं, बट आज इस वाले वीडियो के लिए इतना रखना चाहता हूँ मैं। मुझे उम्मीद है आपको यह वाला एपिसोड पसंद आया हो, एंड अगर पसंद आए तो प्लीज गाइस यार लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे गाइस यार फॉलो कीजिएगा, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो गाइस यार आज इस वीडियो इतना रखता हूँ मैं, फिर मिलता है आप लोग नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पोकेमॉन रॉकेट एडिशन, तब तक के लिए गाइस यार गुड बाय।